बालवीर को अपने गांव की बहुत याद आती है, तो वह गांव के लिए निकलता है। गांव में पहुंचते ही उसे वहां कुछ गलत दिखाई देता है। तो दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, यहाँ इस शॉप की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि शॉप की सही स्पेलिंग होती है SHOP। बालवीर इस गलती को ढूंढ लेता है और वह अपने घर के लिए निकलता है। बालवीर अपने दादाजी के घर में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ बालवीर के दादाजी जैसे 3 लोग दिखाई देते हैं। बालवीर सोच में पड़ जाता है कि उसके असली दादाजी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि इनमें से बालवीर के असली दादाजी कौन है? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, यहाँ बालवीर के असली दादाजी यह 3rd नंबर वाले हैं, क्योंकि उनके गले में एक लॉकेट है और वैसा ही लॉकेट बालवीर के गले में भी है। बालवीर अपने असली दादाजी को पहचान लेता है। बालवीर घर में सबसे मिलकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह उसके घर के देखते हैं कि बालवीर की मौत हो चुकी है, तो वह वहाँ तुरंत CID को बुलाते हैं। CID वहाँ पहुँच जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है कि बालवीर की मौत कैसे हुई है। तो दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हो कि बालवीर की मौत कैसे हुई? तो दोस्तों, सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक जहर की बोतल पड़ी हुई है। इसका मतलब बालवीर की मौत इसी जहर की वजह से हुई है और जहर की वजह से उसके बॉडी भी हरी पड़ गई है। तो दोस्तों, आपको आज की पहेली कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे बाकी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।